Morning student, today we will continue the revision of lesson the sector of economy. Yesterday class we learned the sector based on economic activity. Today we will continue that unit and we will try to know the importance of tertiary sector in economy. When we study Indian economy on base of GDP, gross domestic product, तो जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो हमको पता चलता है कि 1960s में जहाँ टोटल इकोनॉमी में जो प्राइमरी सेक्टर था उसका कंट्रीब्यूशन हाफ से ज़्यादा था, आधे से अधिक था, और सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर का टोटल कंट्रीब्यूशन वन फोर्थ था। तो उस समय हमारा देश बहुत गरीब था। जैसे जैसे गवर्नमेंट ने डिफरेंट प्लानिंग्स को इंट्रोड्यूस किया और देश का टोटल जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए बहुत सारे जो है स्टेप्स लिए, उसका रिजल्ट ये हुआ है कि आज प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो टोटल जीडीपी में 1/4 रह गया है और टर्शियरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन आधे से अधिक हो गया है। और वहीं सेकेंडरी सेक्टर भी अपने इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए जो है आगे वर्क कर रहा है। तो अब क्वेश्चन ये है कि इन तीनों सेक्टर्स की जानकारी जो है वो हमको कैसे मिलेगी। तो हम जब जीडीपी ग्रोथ का अध्ययन करते हैं, इन योर बुक यू कैन सी द चार्ट ऑफ ग्रोथ चार्ट ऑफ जीडीपी, तो आपको पता चलेगा कि जो प्राइमरी सेक्टर है उसका टोटल प्रोडक्शन जो है वो बहुत पीछे रह गया और टर्शियरी सेक्टर तेजी से आगे बढ़ गया। इसके लिए हमें सेक्टर्स का हिस्टोरिकल चेंज के बारे में जानना पड़ेगा। बच्चों, जब से मानव सभ्यता शुरू हुई है, अर्ली ह्यूमन सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड से और 17th सेंचुरी तक पूरी दुनिया में जो भी प्रोडक्शन हुआ है वह प्राइमरी सेक्टर में हुआ। तो हिस्टोरिकली हम जो सेक्टर्स हैं अर्ली ह्यूमन एज से और 17th सेंचुरी तक जब हम उसका हम स्टडी करते हैं तो हमको पता चलता है कि मेन ऑक्यूपेशन जो थे उस समय में ह्यूमन बींग के वो प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड थे। लेकिन जैसे जैसे साइंटिफिक इन्वेंशंस हुई, यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का रिजल्ट क्या हुआ कि पूरी दुनिया में तेजी से इंडस्ट्रियल ग्रोथ शुरू हो गई और 18th सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी तक इन 200 सालों में दुनिया के हर देश ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की ओर अपने कदम बढ़ाए। हो सकता है किसी ने अर्ली एज में 18th सेंचुरी में बढ़ाए हो सकता है भारत जैसे देश ने स्वतंत्रता के बाद बढ़ाए, लेकिन ये 22 सेंचुरीज हैं ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए जानी जाती हैं। आज हम 21st सेंचुरी में एंटर कर चुके हैं और 21st सेंचुरी इंडिकेट कर रही है कि जो प्रेजेंट टाइम है ये टर्शियरी सेक्टर का टाइम है। टर्शियरी सेक्टर में पूरी दुनिया की जो सभी एक्टिविटीज हैं वो कन्वर्ट हो रही है। तो इस तरह से ये पूरी दुनिया का ही एक ट्रेंड है कि पूरी दुनिया में टर्शियरी एक्टिविटीज की ग्रोथ तेजी से हो रही है और जो जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन है वो टर्शियरी सेक्टर का तेजी से बढ़ रहा है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं जिन रीजन को स्टडी करने के बाद हमें निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि टर्शियरी सेक्टर की जो ग्रोथ है वो इतनी तेजी से क्यों हो रही है। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट रीजन है कि व्हेन एनी कंट्री वांट्स टू डेवलपमेंट इन देयर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर डेवलप इटसेल्फ। किसी भी देश की सरकार अगर अपने देश में खेती व्यवस्था को अच्छा करना चाहती है, अपने देश में उद्योगों को एस्टैब्लिश करना चाहती है, तो उसके लिए उसे कुछ प्राइमरी सर्विस को इंट्रोड्यूस करना होता है। और जैसे ही सर्विस डेवलप होती हैं फॉर ग्रोथ ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर नेचुरली ग्रो अप, वो ऊपर जाता है, वो आगे बढ़ता है। यानी प्राइमरी सेक्टर है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है या किसी भी क्षेत्र में डेवलपमेंट है, और दूसरा सेकेंडरी डेवलपमेंट है, जैसे जैसे वो ग्रो होता है तैसे तैसे टर्शियरी सेक्टर स्वतः ही आगे बढ़ता है। देन इफ एनी कंट्री वांट्स टू डेवलप इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर,
टर्शरी सेक्टर डेवलप इटसेल्फ। जब भी कोई देश अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम है, तो ये सारी चीजें किससे रिलेटेड है? जब हम देखते हैं डायरेक्टली वो रिलेटेड है टर्शरी सेक्टर से। किसी भी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, उस देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सुटेबल बनाने का सेट करने के लिए उस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना ही चाहिए। स्वतंत्रता के बाद भारत में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का देन, लोगों को हेल्थ सर्विस प्रोवाइड होनी चाहिए, एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड होनी चाहिए, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से डेवलप किया गया, जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि टर्शियरी सेक्टर खुद से ग्रो कर गया। Then third point is that when the income increase, the result is market activities develop and market directly related to tertiary sector. जब लोगों की जेब में पैसा बढ़ता है, वो सबसे पहले कहाँ जाते हैं? बाजार की तरफ जाते हैं। तो जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होने लगी, प्राइमरी सेक्टर का ग्रोथ हुआ, सेकेंडरी सेक्टर का ग्रोथ होने लगा, इंडस्ट्रीज लगने लगी, फैक्ट्रीज लगने लगी, क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ने लगा, तो लोगों की आमदनी बढ़ गई, उनकी इनकम बढ़ गई, और इनकम बढ़ने का रिजल्ट क्या हुआ कि लोगों की नीड्स भी बढ़ गई। हमारी जेब में पैसा है, जब तक हमारे पास पैसे नहीं थे हम साइकिल से चलते थे, थोड़ा सा पैसे हुए तो हम मोटरसाइकिल की डिमांड करने लगे, हमको लगा कि मोटरसाइकिल हमारे लिए बहुत एसेंशियल है। फिर हमारे पास कुछ और पैसे हुए तो आज हमें कार की जरूरत है, कार से कुछ ज्यादा होगा तो फिर कार में भी हम वैरायटीज ढूंढने लगेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ कि जैसे जैसे लोगों की इनकम इंक्रीज होती है, वैसे वैसे उनकी डिमांड इंक्रीज होती है, और जैसे डिमांड इंक्रीज होती है वैसे मार्केट एक्टिविटीज इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरह से जैसे जैसे भारत के लोगों के जेब में पैसा बढ़ा, वैसे वैसे मार्केट एक्टिविटीज बढ़ गई, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी नेचुरली बढ़ गया। तो इस तरह से इनकम इंक्रीज होने से टर्शियरी सेक्टर स्वतः ही डेवलप हो जाते हैं। देन फोर्थ पॉइंट इज दैट कि जब टर्शियरी सेक्टर इंट्रोड्यूस सम न्यू सर्विसेज आर इंट्रोड्यूसिंग इन 21st सेंचुरी लाइक आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज हम देखते हैं गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में साइबर कैफे हैं, पूरे देश में पूरी दुनिया के लिए सर्विस अवेलेबल है, कॉल सेंटर्स में हजारों लाखों नवयुवक युवतियाँ लगे हुए हैं। भारत में एजुकेशनल डेवलपमेंट होने से इंग्लिश बोलने वाले अच्छे नवयुवक इतनी भारी मात्रा में तैयार हुए कि पूरी दुनिया का कॉल सेंटर का हब भारत में बन चुका है, जहाँ मल्टीनेशनल कंपनीज को सस्ते वर्कर्स मिलते हैं और भारत में जो अनएम्प्लॉयड पर्सन थे उनको एक नया रोजगार मिलता है। तो इस तरह से कुछ इस नई सेंचुरी के साथ जो नई सर्विस टर्शियरी सेक्टर में इंट्रोड्यूस हुई, उसका रिजल्ट यह है कि टर्शियरी सेक्टर तेजी से ग्रो कर रहा है। और हम पाते हैं कि इसी इन्हीं सब कारणों से, इन्हीं सब रीजन से टर्शियरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन टोटल जीडीपी में तेजी से इंक्रीज हुआ। टर्शियरी सेक्टर के बारे में जानने के लिए हमें और थोड़ा डीप में जाते हैं तो पता चलता है देयर आर टू टाइप ऑफ वर्कर्स आर इंट्रोड्यूस इन टर्शियरी सेक्टर। फर्स्ट आर स्किल्ड एंड एजुकेटेड लेबर, स्किल्ड एंड एजुकेटेड लेबर लाइक इंजीनियर्स, आईटी इंजीनियर्स, ये सब कौन है? स्किल्ड लेबर है, स्किल्ड लेबर अवेलेबल है। देन अनस्किल्ड एंड अनएजुकेटेड लेबर, अनस्किल्ड एंड अनएजुकेटेड लेबर। जब हम टर्शियरी सेक्टर की ग्रोथ को और डीपली स्टडी करते हैं तो भारत में पता चलता है कि भारत में आज भी जो लेबर है, जो टर्शियरी सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, वो अनस्किल्ड और अनएजुकेटेड लेबर ज़्यादा है। अगर हम इस अनएजुकेटेड और अनस्किल्ड लेबर को और इन्वेस्टमेंट करके स्किल्ड और एजुकेटेड लेबर में कन्वर्ट कर पाते हैं तो टर्शियरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो और तेजी से देश की जीडीपी में अपना योगदान देगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।